एक बुजुर्ग महिला थी, उम्र लगभग 60 से 65 साल। वो पिछले 5 सालों से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उनको हर थोड़े दिनों के बाद सरदर्द होने लग जाता। वो अपने पोतों को लेकर कई डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा चुकी थी, MRI स्कैन, CT स्कैन सब करवा चुकी थी, पर कोई हल नहीं निकल रहा था। फिर डॉक्टर्स ने उन्हें साइकेट्रिस्ट से मिलने की सलाह दी। वो डॉक्टर राजीव शर्मा के ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में अपने पोते के साथ आई तो डॉक्टर सर ने उनसे पूछा कि क्या आप अकेले में कुछ बताना चाहती हैं। तो उन्होंने सर हिलाते हुए कहा कि हाँ। बहुत सी बातें पूछने के बाद जब डॉक्टर जी ने उनसे पूछा कि क्या आपको भगवान को लेकर गलत विचार आते हैं, तो वो रो पड़ी और बोली, हाँ, मेरे मन में भगवान को लेकर सेक्स के विचार आते हैं और दिखाई देते हैं, और जोर जोर से रोने लगी। जिसे लेकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। पिछले 5 सालों से वो किसी से बात नहीं कर पाती थी और उन्हें लगता था कि उन्होंने शायद कोई बहुत ही बुरे कर्म किए हैं जिसकी सजा भगवान उन्हें दे रहा है। फिर डॉक्टर सर ने उन्हें समझाया कि उन्हें OCD की बीमारी है, मतलब कि वहम की बीमारी है, जिसका इलाज दवा से किया जा सकता है। पहले तो उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं आया, पर जब 2-3 महीने के बाद दवा ने असर दिखाया, फिर उन्होंने कहा कि अब मैं कितने दिनों के बाद जो खुश हुई हूँ और दूसरे लोगों से बात कर रही हूँ और हंसने लगी हूँ। और उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे कोई बीमारी और इसका इलाज भी है। डॉक्टर राजीव बताते हैं कि वहम की बीमारी, मतलब OCD को कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से अगर हमारे डेली बेसिस के कामकाज खराब हो रहे हैं, इसका मतलब वो कोई डिसऑर्डर है। रिसर्च के हिसाब से वहम की बीमारी लगभग हर 100 में से 2 या 3 लोगों को होती है, चाहे वो इसका इलाज करवाएं या नहीं। डॉक्टर राजीव बताते हैं वहम की बीमारी जैसे समय की बर्बादी बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से 50 से 70% लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कुछ केसेस में लोग सेल्फ हार्म या सुसाइड तक कर लेते हैं। OCD में 2 चीजें होती हैं, ऑब्सेशन और कंपल्शन। ऑब्सेशन का मतलब होता है हमारे दिमाग में आने वाली सोच, और कंपल्शन का मतलब होता है उस सोच की वजह से हमारा व्यवहार। पहले बात करते हैं ऑब्सेशन की। ऑब्सेशन में 4 चीजें होती हैं। नंबर 1, इरेशनल थॉट। इंसान को पता है कि जो विचार उसके मन में आ रहे हैं वो गलत हैं, फिर भी वो अपने विचारों को रोक नहीं पा रहा है। डॉक्टर राजीव बताते हैं कि एक पेशेंट थे, वो जब भी घर से बाहर निकलते थे, रास्ते में कोई भी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद या चर्च आए, जब तक वो 5 बार माथा ना टेक ले उनको तसल्ली नहीं होती थी। उनको लगता था कि अगर उन्होंने माथा नहीं टेका तो कुछ ना कुछ अपशगुन हो जाएगा। नंबर 2 पे होता है रेपिटेशन। एक बार नहीं, बार बार ही सेम ख्याल आता रहता है। जैसे उन्हें बार बार लगता था कि कुछ गलत हो जाएगा, घर वालों की मौत भी हो सकती है। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने माथा नहीं टेका तो घर में कोई बीमार भी हो सकता है। नंबर 3, अनेबल टू रिजिस्ट। उन्हें पता भी है कि ऐसा नहीं होने वाला, पर फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाते। जब तक वो 5 बार माथा ना टेक ले उन्हें बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती। नंबर 4, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस हो जाती है और बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाती है। इतनी बार माथा टेकने की वजह से वो ऑफिस में काफी बार लेट हो चुके थे कि यहाँ तक कि उन्हें वार्निंग लेटर भी मिल चुका था। और जब भी उनके घर वाले उनके साथ जाते तो वो टाइम वेस्ट की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते थे। इसे कहते हैं भगवान को लेके OCD या फिर भगवान को लेके वहम की बीमारी। ऑब्सेशन का मतलब है विचार आना, कंपल्शन का मतलब होता है उस विचारों की वजह से हमारा बिहेवियर। डॉक्टर राजीव बताते हैं कि जब वो ऑल इंडिया मेडिकल साइंस ऑफ इंस्टीट्यूट एम्स में MD कर रहे थे तो उन्होंने इमरजेंसी में एक पेशेंट को देखा जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी और वो बहुत ही गुड लुकिंग और पढ़ा लिखा था। उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, इसलिए वो इमरजेंसी वार्ड में एडमिट था। उस लड़के के पेरेंट्स ने बताया कि वो काफी उदास रहता था और डिप्रेस रहता था, और इसकी वजह से उसने अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की। पहले तो लगा ये डिप्रेशन का केस है, इसलिए उसे साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट कर दिया गया। पर वार्ड में एडमिशन के बाद जब उसकी डिटेल हिस्ट्री ली गई तो पता चला कि इस लड़के को सेक्सुअल विचार आते थे अपनी भांजी के बारे में। उसे ये विचार आते थे कि वो अपनी भांजी के साथ सेक्स कर रहा है। उसे ऐसे विचार दिखाई देते थे और ऐसे विचार बार बार आते थे जिनकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था और उसे लगता था कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए उसके मन में ऐसे विचार आते हैं। उसे अपने लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और जबकि वो अपनी भांजी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता।
होता था। इन विचारों की वजह से वो किसी को बता नहीं पाया और शेयर नहीं कर पाया और खुद को गलत मानने की वजह से सुसाइड करने की कोशिश की। जब ये डायग्नोस बना कि उसे सेक्स से रिलेटेड OCD है या फिर सेक्स से रिलेटेड वहम की बीमारी है, तो दवा लेने के बाद वो 2-3 महीने में ही ठीक हो गया। अगर किसी भी इंसान का रोज 1 घंटा लगातार पिछले 2 हफ्ते से सेक्स या भगवान से रिलेटेड की वहम की वजह से खराब हो रहा है, इसका मतलब उसे गॉड या सेक्स के रिलेटेड OCD की प्रॉब्लम है। डॉक्टर राजीव बताते हैं कि कुछ पेशेंट को तो सेक्स और भगवान से रिलेटेड इतने अजीब अजीब ख्याल आते हैं कि उन्हें खुद को अपने ऊपर ही शर्म आती है ये सोचते हुए कि उनके मन में ऐसे विचार क्यों आते हैं। हमें ये बताते हुए अजीब लगता है, पर सही जानकारी देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिसमें कुछ लोगों को ऐसे विचार आते हैं कि वो भगवान के ऊपर यूरिन कर रहे हैं या फिर अपना स्टूल फेंक रहे हैं या फिर मोशन कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो भगवान की फोटो देख के मन में गालियां तक आती हैं, गलत बातें बोलते हैं, वो अपने आप को कोसते भी हैं पर रोक नहीं पाते। इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं, पेशेंट किसी से बात नहीं कर पाते, खुद को दोषी मानते हैं, उन्हें लगता है जरूरी उन्होंने कोई पिछले जन्म में बुरे कर्म करे हैं जिसकी वजह से उनको इतने गंदे गंदे और गलत विचार आ रहे हैं, और वो खुद को बहुत बुरा इंसान मानने लग जाते हैं जिसकी वजह से या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर जैसे कि आपने देखा उस लड़के ने सुसाइड करने की कोशिश करी, कुछ लोग इस हद तक भी चले जाते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि वहम की बीमारी का इलाज तो हकीम के पास भी नहीं, हकीम के पास ना सही पर एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर ही वहम की बीमारी का इलाज है। साइकेट्रिस्ट आपको दवा देगा जिसका असर 2 या 3 महीने में होने लग जाता है। इस दवा का कोर्स तकरीबन 1 साल का होता है, पर कुछ केसेस में लंबा भी हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट के साथ काउंसलिंग सेशन बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होते हैं इस बीमारी को समझने के लिए और इस बीमारी के बारे में जानने के लिए। पहले तो इन सब चीजों को समझने में सालों बर्बाद हो जाते थे, पर आज YouTube वीडियोस या दूसरे सोशल मीडिया की वजह से इन सब चीजों के बारे में जानकारी पाना आसान हो गया है। OCD या वहम की बीमारी और भी काफी चीजों से रिलेटेड होती है, जिसके लिए अलग वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। डॉक्टर राजीव के साथ मैं मोनिका, ब्यूटीफुल माइंड एकेडमी में हमारा मिशन है कि कैसे हम सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अगर आप हमारे मिशन में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हम लाखों हजारों लोगों की मदद कर सकें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या अपने व्यूज को शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि सबसे पहले नए वीडियो की जानकारी आपको मिले। हम लाते रहेंगे ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।